हेलो स्टूडेंट्स, तो आज फिर हम आ गए हैं रेक्टिलिनियर मोशन के नेक्स्ट पार्ट को लेकर, दैट इज पार्ट नंबर 8, है ना। तो अब तक हम लोग ऑलरेडी पता है क्या, इसके पिछले तीन पार्ट्स में आपने देखा होगा कि हम लोग कैलकुलस के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन कर रहे थे, कैलकुलस यानी इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के ऊपर। तो आप बहुत कुछ इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव अब सीख चुके हैं लास्ट के वीडियोस में। अब हम लोग क्या करेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर एक्चुअली दो पार्ट्स में हम लोग क्वेश्चन करते हैं, दो पार्ट्स में। एक पार्ट होता है रेक्टिलिनियर मोशन में जो कि कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन का केस होता है, और दूसरा केस होता है रेक्टिलिनियर मोशन में वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस। तो मैं आपको एक सिंपल बात बता दूं कि अब हम लोग यहां पे जैसे रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर हम जाएं अगर, तो यहां पे हमारे पास दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट है हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला, और दूसरा है हमारे पास वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला। और जब वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात आती है तो वहां पे हमारी काइनामेटिकल इक्वेशंस काम नहीं करती। सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले केस में हमारी काइनामेटिकल इक्वेशंस काम करती हैं, पर वेरिएबल एक्सेलरेशन के केस में, आई थिंक दिस इज विजिबल, यहां तक पूरा विजिबल है, हाँ सर। और जो वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला केस है उसमें जो काम करता है वो है इंटीग्रेशन, और दूसरा जो काम करता है वो है डेरिवेटिव्स। यानी अभी अभी जस्ट हमने क्या किया है, हमने इंटीग्रेशन भी पढ़ा है और हमने डेरिवेटिव्स भी पढ़ा है। यानी अब हम बेसिकली इस रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला जो किस्सा है वो पूरा पूरा निपटा डालेंगे, और फिर हम बाद में कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन वाले केस के अंदर आएंगे। अभी तक आपने जितना भी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन पढ़ रखा है वो सारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अब रेक्टिलिनियर मोशन यानी मोशन वाले क्वेश्चंस पे आप लगाना सीखेंगे। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, और आज का हमारा मोटिव यही होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस करें जिसमें हमें इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का यूज करना पड़े, और फिर उसके बाद हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे, तब हम लोग इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम इक्वेशंस को डिराइव करेंगे, फिर हम इक्वेशंस वाले क्वेश्चन करेंगे जो हमारे कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले केस के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस तरीके से चीजों को प्रोसीड करेंगे। कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं, यहां पे हम लोग ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑलरेडी देख रखी है जो कि होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डीएस बाय डीटी। इसी को हम मैथमेटिक्स में कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके बाद हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देखा है जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, या आप ये कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या आप कह सकते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डबल, यहां D2S यानी डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, एक और बार वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। इसका मतलब यह है कि डिस्प्लेसमेंट को अगर आप दो बार डिफरेंशिएट करते हो तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, एक बार डिफरेंशिएट करते हो तो आपको वेलोसिटी मिलेगा। ये बातों को लेते हुए आगे बढ़े अगर, तो यहां आप एक और चीज देख रहे हो, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन डीवी बाई डी टी तो है और वी डीवी बाई डी एस, ये कैसे आ गया सर? कोई बड़ी चीज नहीं है, बस हमने थोड़ा रीअरेंज किया है। आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन, बस आपको इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना डीएस और डीएस से। आप कभी भी इस टर्म को अगर डीएस डीएस से यानी डिस्प्लेसमेंट के चेंज से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई बदलाव आने नहीं वाला। अब अगर आप देखते हो तो ये वाला जो है डीएस बाई डी टी, दिस विल बिकम वेलोसिटी, एंड डीवी बाई डीएस वैसा ही रहेगा, तो एक्सेलरेशन विल बिकम वी डीवी बाई डीएस। बट सर व्हाट इज द नीड, व्हाई यू आर डूइंग दिस, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना जेन्युइन है। कर क्यों रहे हैं भाई? आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दिया जाए तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो भाई पहले तो आपके पास वेलोसिटी है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, यानी कुछ ऐसा इक्वेशन दिया v इक्वल टू 2t² + 1 ऐसा दिया, तो ये टाइम का फंक्शन है ना, तो आप इसको dv by dt कर लोगे तो dv by dt डेफिनेटली करके एक्सेलरेशन आ जाएगा। पर इन सम केसेस वेलोसिटी जो होता है वो फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, यानी v इक्वल टू 2s² + 1 ऐसा आ सकता है। अब जब ये डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है तो इसको डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो डीवी बाई डी एस, तो आपको फिर वी डीवी बाई डी एस करना होगा, बस वी से मल्टीप्लाई करना होगा और एक्सेलरेशन मिल जाएगा। देखो मैं सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं, कभी कभी एक्सेलरेशन टाइम के फंक्शन में हमें निकालना होता है तो हम इसको यूज कर लेंगे, कभी कभी हमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में निकालना होता है तो हम इस वाले को यूज करेंगे वी डीवी बाई डी एस। आने वाले समय में आपको मैं एक्सप्लेनेशन इसके बरोबर क्वेश्चन के साथ दे दूंगा, डोंट वरी, आपको समझ में आ जाएगी। बड़ी छोटी सी चीज है, उस बारे में हम लोग क्वेश्चंस के साथ साथ बात कर लेंगे, चीजें आपके दिमाग में बहुत आसानी से आ जाएगी। आई होप आप ये सब चीजें बहुत अच्छे से नोट डाउन कर रहे होंगे। जब ये वीडियो चल रहा होता है तब आपके पास समय नहीं होता है कि आप इसे नोट डाउन करें, पर डेफिनेटली इसको बार बार बाद में देखें, पॉज करें, पॉज कर करके देखें और बाद में उसे बिल्कुल नोट डाउन करें, कॉपी बनाएं। आपको एक बात बताता हूं, अभी अभी हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक की थी। क्या किया था सर, क्या हुआ था ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक ने क्या? एक्चुअली हमने क्या किया था, ऐसे ही 12th वाले बच्चे हैं हम लोग, वहाँ पे दूसरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, वहाँ होता ये था कि कई सारे बच्चे हैं जिनके
जिनको लगता था कि क्या होगा, हम लोग लिखे नहीं लिखे क्या फर्क पड़ता है, पिक्चर जैसे वीडियो देख लो, बाकी आधा टाइम कुछ दूसरा वीडियो देख लो, थोड़ी देर सर का देख लो, बाकी किसी और का देख लो, क्या दिक्कत है, फर्क क्या पड़ने वाला है। किसी और का देखना बहुत भारी पड़ा है उन्हें। जब वो किसी और का वीडियो देख रहे थे तो उन्होंने क्या किया, नोट्स नहीं बनाए, और नोट्स नहीं बनाए इसका इम्पैक्ट ये हुआ सडनली, सर्जिकल स्ट्राइक यानी वो चीज़ जो सडनली हुई। हमने क्या किया, एक दिन उनको अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ बुला लिया अपनी कॉपी किताब के साथ, और सबसे बड़ी चीज हमने उन्हें समय ही नहीं दिया सोचने का और कंप्लीट करने का। जैसे आज शाम में हमने अनाउंस किया कि कल सुबह 9 बजे तुम्हें अपनी कॉपी किताब के साथ आना है। जहां ऐसी चीज हुई तुरंत 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 दूसरे दिन सच्चाई सामने आ गई, सबके हाथ खड़े हो गए, सर कॉपी कंप्लीट नहीं, सर कॉपी कंप्लीट नहीं, कॉपी कंप्लीट नहीं, कॉपी कंप्लीट नहीं, बस। इसको कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। और उस पे जो स्ट्राइक हुआ, उससे जो चीज हुई, उससे तो बस मजा आ गया। पर यह भी है कि ये सब करने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि देखो हम लोग तो तुम्हें पढ़ाने के लिए बैठे हैं, और आज जो परिस्थिति है उसके हिसाब से हम लोग दूर हैं, हम तुम्हें देख नहीं सकते, पर हाँ हम अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। पर अब तुम्हारा एक कर्तव्य बनता है, तुम्हारी तरफ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ को करना है। इसीलिए मेरा मोटिव यह है, इसलिए मेरा पॉइंट ये है कि आप सिर्फ अच्छे से सारे क्वेश्चंस करें, कॉपियां पूरी कंप्लीट करें, वीडियो देखते देखते सारे नोट्स बहुत अच्छे से बनाएं, और जो भी होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन देता हूं उन्हें बढ़िया से सॉल्व करें, जो एक्सरसाइज आपको दी जाती है उसे भी बढ़िया से सॉल्व करें, ठीक है। दिस इज माय रिक्वेस्ट, एंड नाउ लेट्स मूव फर्दर। रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन आपने पढ़ रखे हैं, रूल्स फॉर इंटीग्रेशन आपने पढ़ रखे हैं, ये सारी बातें आपको मैं बता चुका हूं। अभी जो हमने इतनी सारी बातें की उसमें कुछ अच्छे बच्चे होंगे जिन्होंने फटाफट 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 ये क्वेश्चन कर भी डाले होंगे। देखोगे तो कुछ भी नहीं है, पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सिंपल एज सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, आपको दिया है s इक्वल्स टू 4t³ + 3t का स्क्वायर, ये दिया आपके पास डिस्प्लेसमेंट। फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एज f ऑफ t का मतलब होता है फंक्शन ऑफ टाइम, यानी समय के हिसाब से बदलने वाला वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन बनाओ और एक्सेलरेशन का एक एक्सप्रेशन बनाओ जिसमें टाइम आ जाए, जिसमें वो फंक्शन ऑफ टाइम हो। पर डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्प्लेसमेंट से आप क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी बेसिकली वेलोसिटी क्या होती है, तो इट इज ds / dt, ये देखो अभी अभी बता ही रहा था मैं, तो बस आपको डिफरेंशिएट करना है, किसको करना है, डिस्प्लेसमेंट को करना है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू ddt ऑफ 4t³ + 3t का स्क्वायर। अपने डेरिवेटिव के रूल पढ़ रखे हैं, आपको क्या करना होता है, कांस्टेंट 4 है 3 है उसको बाहर निकालना होता है, मैं इतना ज़्यादा नहीं करूँगा इसको, अब डायरेक्टली इसका आंसर लिख दूंगा, 4 बाहर आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, t³ में से एक और 3 सामने आ जाएगा, और t³ - 1 यानी 2 आ जाएगा, और प्लस में 3 तो है ही बाहर और 2 सामने आ जाएगा, 2 को लगा दिए यहाँ पे, और t² क्या हो जाएगा, 2 - 1 यानी 1। तो अल्टीमेटली आपके पास जो वेलोसिटी बनने वाली है वो कितनी बनने वाली, 4³ = 12 t² प्लस 3² = 6t, ये बनेगी वेलोसिटी। समझे कि नहीं समझे हैं सोचो। अब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या कहती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डिफरेंशिएट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी क्या करेंगे आप, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ddt ऑफ, आपको मिल जाएगा दिस 12t² + 6t। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन, देखो जगह कम है, काइंडली एडजस्ट, थोड़ा सा जगह कम है, ज़्यादा क्वेश्चन कराने के चक्कर में हमने जगह कम कम छोड़ी है, इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लो। 2 सामने आ जाएगा, 12 2 कितना हो जाएगा, 24t² का t बन जाएगा प्लस 6t का 6 हो जाएगा, दिस इज योर एक्सेलरेशन। एक्चुअली इट इज नॉट योर एक्सेलरेशन, इट इज एक्सेलरेशन ऑफ दिस मूविंग पार्टिकल, ठीक है। तो अब ये एक बात हो गई, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप यू हैव गॉट द आंसर, आपको आंसर मिला होगा मुझे ऐसी आशा है, अगर मिला होगा तो वेरी गुड है, नहीं मिला होगा तो ट्राई करो, कभी ना कभी तो मिलेगा। अब इसके बाद If the displacement, यहाँ पे दिया हुआ displacement is alpha, this is alpha, t³, this is beta, t² this is gamma, alpha, beta, gamma, they are three constants, यहाँ लिखा है constants, find the initial velocity, oh, initial velocity, important चीज, and velocity at t = 2 second, initial भी निकालना है और 2 second पे भी निकालना है, पर initial निकालना है और 2 second पे निकालना है, पर पहले velocity तो निकाल दो, velocity को function of time तो बनाओ। तो भाई वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी होती है अगेन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज ds / dt, जस्ट डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, अल्फा इज कांस्टेंट, 3 को सामने ले आओ, मैं थोड़ा डायरेक्ट करने जा रहा हूं, 3α t² प्लस ये 2 को सामने ले आओ, इट विल बी 2β t प्लस अकेला कांस्टेंट, अकेला कांस्टेंट जब भी इस दुनिया में आएगा उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो
तो गामा अकेला कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव जीरो. दिस इज वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम. अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात सीखने वाले हो आप, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात सीखने वाले हो. ऐसा स्टार बनाओ, ऐसा स्टार बनाओ, ऐसा बहुत सारे स्टार बनाओ. इनिशियल वेलोसिटी इज एट t इक्वल टू जीरो. इनिशियल वेलोसिटी वो कहलाती है जो टाइम जीरो पर होती है. इनिशियल भाई, इनिशियल शुरुआत, शुरुआत कहां से होती है, टाइम की शुरुआत कहां से होती है, जीरो टाइम से. तो इनिशियल कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जब भी तुम्हें बोले इनिशियल वेलोसिटी निकाल दो, कभी बोले इनिशियल एक्सेलरेशन निकाल दो, कभी बोले इनिशियल पोजिशन निकाल दो, उस सारी जगह टाइम को क्या रख दो आप, जीरो. दिमाग में बिठा लो, दिमाग में बिठा लो. इनिशियल का मतलब टाइम जीरो, इनिशियल का मतलब टाइम जीरो. इनिशियल बोले तो टाइम जीरो, इनिशियल बोले तो टाइम जीरो, दिमाग में बिठाओ. इनिशियल बोलेंगे तो टाइम जीरो है. अब इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहे हैं आपसे, वी इनिशियल पूछ रहे हैं. आपने क्या करना है, टाइम को जीरो रख देना है. थ्री अल्फा टी का वैल्यू जीरो रख दो, और यहां से प्लस टू बीटा और फिर से टी का वैल्यू जीरो लो, सारा जीरो हो गया. वी इनिशियल इज जीरो. लो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो. दिस इज द इक्वेशन विच इज फंक्शन ऑफ टाइम. ये टाइम का फंक्शन है. आप टाइम के अंदर वैल्यू रखो, जो वैल्यू रखोगे वो उस वैल्यू, उस टाइम की वैल्यू पे आपको वेलोसिटी मिलेगी. इनिशियल वेलोसिटी के लिए हमेशा थंब रूल बना लो, टाइम जीरो. इनिशियल वैल्यू, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज टाइम जीरो. ठीक है सर, इनिशियल क्या क्या निकाल सकते हैं? सब कुछ निकाल सकते. आप भी तो इनिशियल ही थे कहीं ना कहीं, शुरुआत में जब आपका जन्म हुआ था तब इनिशियल टाइम टी इक्वल टू जीरो था आपकी लाइफ का. इंसान की लाइफ का टी इक्वल टू जीरो कब सेट होता है भाई? जब उसका जन्म होता है. फिर हर साल हम टी इक्वल टू वन, टी इक्वल टू टू, टी इक्वल टू थ्री, टी इक्वल टू ट्वेंटी, टी इक्वल टू ट्वेंटी वन सेलिब्रेट करते हैं. टी इक्वल टू ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन ईयर्स के लिए. टी इक्वल टू ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू ईयर्स के लिए. टी इक्वल टू जीरो कब था आपका? इनिशियली व्हेन यू वाज बॉर्न, दैट इज एट टी इक्वल टू जीरो. सो हम सबका इनिशियल निकाल सकते हैं. टी जीरो पुट कर दो तो आपको इनिशियल मिल जाएगा. सिंपल थिंग. ओके, नाउ फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी एंड वेलोसिटी एट टी इक्वल टू टू सेकंड. नाउ वेलोसिटी एट टी इक्वल टू टू सेकंड. तो ये तो हमारे पास जनरल वेलोसिटी का टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है. इसमें टाइम की कोई भी वैल्यू डालो, कोई भी टाइम की वैल्यू डालो, उस टाइम पे वेलोसिटी मिल जाएगी. या टाइम की वैल्यू जीरो रखोगे, वेलोसिटी जीरो मिल जाएगी. अब आपको बोलते हैं टाइम की वैल्यू दो सेकंड रखो, दो सेकंड पे वेलोसिटी निकालो. तो एट टी इक्वल टू टू सेकंड यहां सॉल्व कर देता हूं मैं. टी इक्वल टू टू सेकंड वेलोसिटी इक्वल्स टू थ्री अल्फा और टू का स्क्वायर प्लस टू बीटा और एक और टू, यानी थ्री थ्री, ये टू का स्क्वायर फोर, फोर थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व अल्फा प्लस टू टू फोर, फोर बीटा. दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी एट टी इक्वल टू टू सेकेंड. ये इनिशियल थोड़ी है यार, ये इनिशियल नहीं है, ये वेलोसिटी है दो सेकेंड पे. कोई बोल सकता है सर इनिशियल पोजिशन कैसे निकाल दो इसकी? इनिशियल पोजिशन, या देखो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बोलना कितनी गलत बात है. डिस्प्लेसमेंट यानी एक जगह से दूसरी जगह गए. इनिशियल टी इक्वल टू जीरो पे कहीं गए क्या? टी इक्वल टू जीरो एक इंस्टेंट है, उस जगह तो उस इंस्टेंट पे तो कहीं रहे होंगे ना. ऐसा नहीं बोलना सर टी इक्वल टू जीरो पे डिस्प्लेसमेंट निकालू क्या, ऐसा नहीं बोलना, बोलना ही गलत हो गया. टी इक्वल टू जीरो पे पोजिशन निकालू क्या? देखो पोजिशन में चेंज आएगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा. एक जगह बैठे थे दूसरी जगह चले गए, एक जगह जो बैठे थे वो पोजीशन एक हो गई, दूसरी जगह जगह जो गए वो दूसरी पोजीशन हो गई, पर जो चेंज इन पोजीशन हुआ वो डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो एक इंस्टेंट पे आप कोई डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, एक इंस्टेंट पे आप एक पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे. हाँ ये बोल सकते हो कि अगर एक सेकेंड पे, एक सेकेंड पूरा टाइम इंटरवल ले लिया मैंने, एक सेकेंड, तो आप एक सेकेंड में अगर एक सेकेंड के अंतराल में आप एक सेकेंड शुरू होने से जस्ट पहले और एक सेकेंड शुरू होने के जस्ट बाद चल के कहीं गए हो, तो आप एक सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये बोल सकते हैं, क्योंकि आपने जगह बदली है ना किसी इंस्टेंट पे, एक इंस्टेंट पे. तो भाई वही पोजीशन है, जगह वही है. बेसिक बातों को समझेंगे. हाँ तो आप बोल सकते हैं सर मेरी टी इक्वल टू जीरो पे फिर क्या पोजीशन रही थी? पोजीशन बोल सकते, पोजीशन तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है. इस जगह पे आप देखोगे अगर, तो यहां टी को जीरो रख दोगे अगर आप, तो ये टी वाला टर्म ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, सिर्फ बचेगा कौन? गामा. तो ये आ जाएगा एस इक्वल टू गामा. एक्चुअली दिस इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू जीरो. दिस इज नथिंग बट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू जीरो. या अलग शब्दों में कह सकते हो दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ऐसा भी कह सकते हो. डोंट वरी. तो खैर चलो मैं इसको मिटा दूं, हमें थोड़ी अब जगह की जरूरत है तो इसको हम मिटा देते हैं. ठीक है, और फिर यहां से आगे बढ़ते हैं. हाँ मैं तो मिटा रहा हूं, मिटाने के पीछे मोटिव ये है कि आप अगले क्वेश्चंस की तरफ जा चुके होंगे, आप नेक्स्ट क्वेश्चंस को डेफिनेटली सॉल्व कर रहे होंगे, ऐसी मेरी आशा है.
यानी आशा, यानी आई होप फॉर दैट, है ना, आशा, इट इज जस्ट माई होप. ओके, ठीक है, तो ऐसी आशा है, आपने आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की होगी. ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ओके, चलो. सो द पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स वेलोसिटी इज दिस. फाइंड एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू वन सेकेंड. वेलोसिटी दी, एक्सेलरेशन निकालना है. यू नो दैट व्हाट इज एक्सेलरेशन, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये दिख रहा है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, इट इज डीवी बाई डीटी. तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो यू विल गेट डीवी बाई डीटी इक्वल टू डी डी टी ऑफ टी का पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 8. ये आ गया आपके पास, एंड दिस इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन इज टी, सामने आ जाएगा 4, 4 टी का पावर 4 माइनस 1 इज 3 प्लस 2 सामने आ जाएगा 6 टी का पावर 1 प्लस 8, 8 का डेरिवेटिव अकेला कॉन्स्टेंट अगेन 0. सो दिस इज द एक्सेलरेशन, दैट इज नथिंग बट इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बट दिस इज एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम, दिस इज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस. पर किस इंस्टेंट पे निकालना है आपको बोला गया, टी इक्वल टू वन सेकेंड पे. टी इक्वल टू वन सेकेंड पे निकालो, तो अब यहां पे लिख देते हैं अपन एट टी इक्वल टू वन सेकेंड. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 6 इंटू 1, यानी 4 इंटू 1 इज 4 प्लस 6 इंटू 1 इज 6 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द फाइनल आंसर फॉर एक्सेलरेशन. आई होप यू हैव गॉट द आंसर. जितने लोगों को मिला है वेरी गुड, नहीं मिला है तो कोशिश करो, ध्यान दो, सीखने की कोशिश करो. अगले कुछ क्वेश्चन आपसे बनेंगे जरूर, ठीक है. ओके, चलो. इफ नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, अब यहां देखो फिर से कुछ नए नए दिख रहे हैं वेरिएबल्स, अल्फा बीटा गामा डेल्टा. दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा, दिस इज डेल्टा. आगे आने वाले समय में बहुत जगह ये वेरिएबल्स यूज होंगे, इसलिए नाम याद रखो, बहुत जरूरी है. अब क्या बोलते हैं यहां पे, इफ डिस्प्लेसमेंट इज दिस, दे आर कॉन्स्टेंट एंड दे आर कॉन्स्टेंट, फाइंड रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन. अब इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन का रेशियो पूछ रहे हैं. इनिशियल यानी टी इक्वल टू जीरो डाल देना है, वहां पे दिमाग में बैठा लो, जहां बोले इनिशियल वहां डाल दो टी इक्वल टू जीरो, जहां बोले इनिशियल वहां डाल दो टी इक्वल टू जीरो. पर पहले टाइम वाला फंक्शन बनाना पड़ेगा. तो वेलोसिटी इज नथिंग बट डी एस बाई डी टी. सो यू जस्ट डिफरेंशिएट डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट एस विद रिस्पेक्ट टू टी, वॉट यू विल गेट. सो इट इज वी इक्वल टू डी डी टी of s, s is equals to what, alpha plus beta t plus gamma t square plus plus delta t ka power 4. Now just differentiate it, differentiate it. Alpha is again akela constant, akela constant ka derivative 0 plus beta t, beta bahar nikalo, ddt of t 1 ho jayega, aur plus gamma 2 samne le aao, to 2 gamma t ka power 2 minus 1 hai, 1 ho jayega, plus 4 samne le aao, 4 delta, 4 times delta t का पावर 4 माइनस 1 इज 3. सो दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी, एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी. देखो एक बात बताता हूं, आपको डेरिवेटिव के रूल्स याद होने चाहिए. हालांकि यहां भी एक ही रूल लग रहा है, सिर्फ एक ही रूल लग रहा है अगर आप देखो तो, वही है डी डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स का पावर एन माइनस 1. आपको डेरिवेटिव का सिर्फ एक ही रूल याद रखना है, डी डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन इज एन एक्स का पावर एन माइनस 1. सारा सारा वहीं उसी के आसपास घूम रहा है. दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी, वेलोसिटी की बात हो गई. वेलोसिटी के बाद आपको क्या निकालना था, एक्सेलरेशन. अभी हम क्या करेंगे, अगेन यहां मैं लिखता हूं, डिफरेंशिएट कर दो फिर से वेलोसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो डिफरेंशिएटिंग वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हाट यू विल गेट, एक्सेलरेशन इज डीवी बाई डी टी. सो यू विल गेट डी डी टी ऑफ बीटा प्लस 2 गामा टी प्लस 4 डेल्टा टी का क्यूब. ये हो गया, अब अकेला बीटा डेरिवेटिव, अब अकेला फिर से कांस्टेंट आ गया बीटा, बीटा का डेरिवेटिव 0 प्लस 2 गामा टी है, तो दैट विल बी 2 गामा प्लस 4, 3 सामने आएगा तो 12 डेल्टा टी का स्क्वायर. दिस इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द एक्सेलरेशन. नाउ जस्ट क्या चाहिए आपको, रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी. सो वी इंस्टेंटेनियस अपॉन ए इंस्टेंटेनियस, यहां पे पहले मैं वी और ए एज इट इज लिख देता हूं, तो ये आ गया बीटा प्लस 2 गामा टू गामा टी प्लस 4 डेल्टा टी का क्यूब डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन इज 2 गामा प्लस 12 डेल्टा टी स्क्वायर, पुट टी इक्वल टू 0. टी इक्वल टू जीरो करते ही क्या होगा, ये टर्म गायब, ये टर्म गायब, ये वाली भी टर्म गायब, तो सिर्फ बीटा बचेगा और टू गामा बचेगा. यानी वी इनिशियल
अपॉन ए इनिशियल इज इक्वल्स टू बीटा बाय टू गामा, दिस इज द वैल्यू। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और मेरे पैरेलल या मेरे से भी पहले आंसर निकाल रहे हैं। तो अभी देखो मैंने यहां तक तो कर दिया सारा, फटाफट इसको आप कंप्लीट करो। ये पांचवा क्वेश्चन है, इस पांचवे क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा रुकता हूं, तब तक मैं और सारे बहुत सारे क्वेश्चन यहां लिख लेता हूं। पर आपको क्या करना है पता है, उस समय आपको उतने समय में ये करना है कि आप फटाफट फास्ट एकदम पांचवा क्वेश्चन सॉल्व कर डालें। यानी इसका मतलब ये, जब तक मैं सिक्स ऑनवर्ड क्वेश्चन यहां से लिखता हूं तब तक आप फटाफट फिफ्थ क्वेश्चन खत्म कर लें और सिक्स्थ पे भी आ जाएं और फास्ट आगे बढ़ना शुरू कर दें। आई होप आप ऐसा कर लेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो सेल्फ बिलीफ है फॉर द क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और सबसे बड़ी जीत तो तब होती है जब हम खुद किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जब हम खुद किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और हमारे आंसर्स करेक्ट आते हैं। तो सबसे बड़ी जो विन है ना, सबसे बड़ी जो जीत है वो तो तभी है जब हमें क्वेश्चंस खुद जो हमारे जो आंसर्स हैं वो खुद ही आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ और क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ बोर्ड पर, और मैंने आपके लिए वो समय दे रखा है, अभी समझ लो आपको समय दे दिया है मैंने। आप आगे बढ़ें, फटाफट से सॉल्व करना शुरू करें फिफ्थ क्वेश्चन, और आई होप आप पांचवा क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। तब तक मैं आपको कुछ और क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ ओके। पर बिल्कुल भी ये ना समझें कि आपको इस समय को बर्बाद करना है। ठीक है, तो फटाफट बढ़ें आगे। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ और इस समय मैं आपके साथ लाइव चैट में भी हूँ। ठीक है, और मैं यही आशा कर रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। और आप क्या करें, सिक्स्थ के जो पार्ट हैं उनके आंसर्स डालने शुरू करें। जैसे जैसे आंसर आते जाएं डालते जाएं, मैं वहीं आपको लाइव चैट में आंसर्स बताऊंगा। तो आप फटाफट से जो है लाइव चैट में अपने आंसर्स डालें। ठीक है, हाँ, तो मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया होगा, है ना। 5 अगर सॉल्व कर लिया आपने तो फटाफट से हम लोग एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं ना। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, अगर आप देख रहे होगे तो और नए क्वेश्चंस आ गए, फटाफट सॉल्व करो, बड़ा मजा आएगा आपको। फिफ्थ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वहां से सिक्स से चालू करना, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखो फास्ट लिख दिया मैंने आपके लिए सारे, तो मैं फिफ्थ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आपको देखो, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू गिवन टू बी अ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। सबसे पहले एस दिया हुआ है आपको, तो एस दिया हुआ है आपके पास, दिया हुआ है टी क्यूब माइनस 3t² + 3t + 2। ठीक है, अब इससे वेलोसिटी निकालनी है तो वो आपके पास आ जाएगी ds/dt। डिफरेंशिएट कर लेंगे अपन डायरेक्टली, डिफरेंशिएट करोगे तो 3 सामने आ जाएगा यानी 3t² आ जाएगा, माइनस यहाँ से 2 सामने आ जाएगा यानी 3 × 2 = 6t आ जाएगा, प्लस 3 अकेला बचेगा, 2 तो 0 हो जाएगा। ये आगे आपके पास वेलोसिटी और आगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आएगा dv/dt, यानी इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, डबल डिफरेंशिएट कर दिया, 2 सामने आएगा तो यह आ जाएगा 60 माइनस यहाँ 60 का बनेगा 6। तो ये आ गया आपके पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ये आ गया एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन। अब वेलोसिटी निकालने बोलते हैं 2 सेकंड पे, एक्सेलरेशन निकालने बोलते हैं 3 सेकंड में। तो यहाँ पे t = 2 सेकंड आप क्या करेंगे, वेलोसिटी के लिए लिख देंगे, तो वेलोसिटी के लिए लिख देंगे तो 3 × 2² - 6 × 2 + 3। तो यहाँ से 3 × 4 = 12, 12 - 12, 6 × 2 = 12, 3 × 4 = 12, 12 - 12 = 0, यानी 3 m/s। दिस इज द वेलोसिटी एट t = 2 सेकंड। ठीक है, और फिर यहाँ से आपको निकालने बोला गया है भाई, यहाँ से निकालने बोला गया है एक्सेलरेशन एट t = 3 सेकंड, है ना, 3 सेकंड पे। तो एक्सेलरेशन वाला अपना एक्सप्रेशन कौन सा है, ये है 60 - 6। तो 6 × 3 - 6 कर लो, 6 × 3 = 18, 18 - 6 कर लो तो 12 m/s² आएगा। थोड़ा सा विजिबल नहीं होगा अगर तो भी देख लेना, क्योंकि 12 m/s² है, मैंने तो बोल दिया, वही तो है दिखना है, एक्सेलरेशन आ गया। सो फर्स्ट पार्ट इज डन, सेकंड पार्ट इज डन, थर्ड पार्ट वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो, वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। सो ये एक्सेलरेशन का आपका जनरल एक्सप्रेशन है, इसमें आपको एक्सेलरेशन को क्या पुट करना है, जीरो। तो आप जैसे ही 0 = लिखेंगे 60 - 6, तो आपको पहले वो टाइम निकालना पड़ेगा। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो, ऐसे समय पर वेलोसिटी निकालो जब एक्सेलरेशन जीरो है। तो पहले वो समय तो निकालो,
जब एक्सेलरेशन जीरो है, अब एक्सेलरेशन को जीरो पुट कर दो यहाँ और वो समय निकाल दो, तो एक्सेलरेशन जीरो पुट करते ही आपको क्या मिल जाएगा, जीरो पुट करते ही टाइम ये सिक्स इधर चला जाएगा, तो सिक्स इक्वल टू 60 आ जाएगा और टाइम इक्वल टू आ गया 1 सेकेंड. एक्चुअली दिस इज दैट टाइम व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो एंड यू नीड टू फाइंड द वेलोसिटी एट दिस टी इक्वल टू 1 सेकेंड. तो वेलोसिटी के एक्सप्रेशन के अंदर अपना 1 सेकेंड डाल दो तो ये कितना आ जाएगा, 3 × 1 का स्क्वायर और -6 × 1 + 3 ऐसा आ जाएगा. तो v कितना आ जाएगा, 3 - 6, 3 - 6 इज -3 - 3 + 3 = 0. सो वेलोसिटी 0 m/s. लो, जब आपके पास एक्सेलरेशन जीरो था तब वेलोसिटी भी जीरो थी. ठीक है, ये वाली एक बात आ गई अपने पास, इस चीज को हम समझ सकते हैं. कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजीली हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, बट ये कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, मिस इंटरप्रिट मत करना, ये इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, ये इनिशियल वेलोसिटी नहीं है. इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है भाई, इनिशियल कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इनिशियल क्या होती है, जब टी जीरो होता है. ये तो वो वेलोसिटी है जब एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो तब हुआ जब टाइम 1 सेकंड था. टाइम 1 सेकंड की वेलोसिटी है भाई, ये टाइम जीरो की नहीं है. जो टाइम जीरो होता है तब जो वेलोसिटी या एक्सेलरेशन या कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी वो इनिशियल कहलाएगी. तो मेरे ख्याल से ये वाली बात भी आपके समझ में आ गई होगी, शायद आंसर आपका सही आया होगा, मेरे जितना ही आया होगा. आया होगा तो बड़ा खुश हो जाओ, वेरी गुड है. अब इसके बाद चौथा पार्ट बोलता है एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी जीरो. अब वेलोसिटी को जीरो रखो और एक्सेलरेशन निकाल दो. तो ये जो वेलोसिटी की एक्सप्रेशन आप देख रहे हो, यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मामला, है ना. तो जीरो इक्वल टू एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3t² - 6t + 3 दिख रही है. अगर इस तरह से इक्वेशन दिख रही है आपको तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो इसको डिवाइड कर लें, तो 3 से डिवाइड कर लें, t² - 2t + 1 = 0. ये इक्वेशन बन गई. अब आपके पास रूट निकालने के लिए एक वो होता है -b + -√b² - 4ac/2a. ये भी होता है, और सुनो एक और भी होता है, वो डायरेक्ट सम और प्रोडक्ट वाली भी चीज़ होती है, पर मैं थोड़ा डायरेक्ट नहीं बता रहा, मैं थोड़ा सॉल्व करके बता रहा, किसी किसी को नहीं आता वैसा करना, तो मैं ये फॉर्मूले से बता रहा हूँ, मुझे आता है, डोंट वरी. ठीक है, बट फॉर योर सेक आई एम जस्ट सॉल्विंग इट बाय दिस फॉर्मूला. जिसको आता है फटाफट रूट निकाल लो, कोई बड़ी बात नहीं है. हाँ, बस एक बात ध्यान रखना, टाइम की दो वैल्यू आएगी, जिसमें से एक निगेटिव आ सकती है, एक पॉजिटिव आएगी. तो निगेटिव वाला टाइम कभी हो नहीं सकता, टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, तो टाइम का जो पॉजिटिव वैल्यू है वो ले लेना है. ठीक है, अब ये आप देख लो, तो टाइम इक्वल टू -b - b यानी -6 + -√b² यानी -6² + 36 ही होगा, और -4 × a = 1 × c = 1 / 2 × a = 1. यानी -6 + √36 - 4 यानी कितना आ गया, 32/2. ठीक है ना, तो ऐसा कुछ सा नंबर आ रहा है, तो 6 और -32, तो इस तरीके से कुछ तो भी नंबर आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं आ रहा है. ठीक है ना, तो अब इसको रफली अगर अपन देखें तो कितना आ जाएगा ये नंबर. अपन इसको देखें अगर वैल्यू को, तो √32, और √32 की वैल्यू 6 से कम ही है. और कितना आता है ये देखो जरा, क्या आता है, हाँ इसकी वैल्यू क्या आती है देखो जरा, 6 + -√36. 36 भी बराबर लिखा ना मैंने, नहीं कुछ गड़बड़ की है मैंने, पक्की बात है गड़बड़ की है मैंने. हाँ गड़बड़ क्या की है मैं बताता हूँ, माइनस बी, एक्चुअली हमें इस वाले इक्वेशन को लेके चलना है ना यार, हमने डिवाइड कर दिया ना, तो इसको नहीं लेके चलना, अब डिवाइड किया तो माइनस बी, यानी बी तो हो गया 2, तो यहाँ -6 नहीं आना चाहिए, आना चाहिए -2 + -√b² का मतलब 36 नहीं भाई, 2 का स्क्वायर यानी 4. 4 - 4ac यानी ये तो ये पूरा ही आ जाएगा 4. एक्चुअली क्या हो गया, ये -2 - 2 ये पूरा ब्रैकेट ही गायब हो जाएगा यहाँ से, ये तो पूरा 0 ही हो गया. ठीक है, और ये जो चीज़ है ना गड़बड़ हो गई थी थोड़ी कैलकुलेशन में, ये -, प्लस हो गया, ये 2 आ गया, तो ये कैंसिल हो के बन जाएगा 1. ठीक है, तो टाइम जो आएगा ना वो आएगा 1 सेकेंड. ये वो 1 सेकेंड है जब क्या हो रहा है वेलोसिटी. अच्छा, हमें निकालना क्या, एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी जीरो. ओहो, एक और गड़बड़ है, वेलोसिटी जीरो हो कब रही है, 1 सेकेंड में, ये तो हमने पहले ही निकाल लिया, ये निकालने की भी जरूरत नहीं है. और उस समय पे खुद एक्सेलरेशन जीरो है, तो आपको आंसर ही लिख देना है एक्सेलरेशन इज जीरो. जब वेलोसिटी जीरो है तब एक्सेलरेशन भी जीरो है, क्योंकि जब एक्सेलरेशन जीरो हुआ था तब हमने वेलोसिटी निकाल ली थी ना, इसको भी करने की जरूरत नहीं. बात समझ रहे हो, थर्ड और फोर्थ जो है ना वो तो बेवकूफ़ बनाने वाले काम है, थोड़ा ध्यान दिया करो ऐसी चीज़ों पे. मैंने नहीं दिया तुम गलती मत करना. देखो थर्ड पार्ट में क्या बोला, वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो रख के टाइम निकाला 1 सेकंड पे, वेलोसिटी जीरो है. अगली बार क्या पूछते हैं, एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी जीरो, तो वेलोसिटी तो जीरो है 1 सेकंड पे और तब एक्सेलरेशन भी जीरो है, हमें तो पता था इसको निकालने की क्या जरूरत थी.
पर आंसर आ गया, चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, होता है कभी कभी, क्योंकि हम लोग फ्लो फ्लो में इतने सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। तो आई थिंक दीज ऑल आंसर्स आर करेक्ट। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपने पांचवें नंबर का क्वेश्चन कर लिया होगा, और शायद आपको सॉल्व करते हुए जो मुझे सॉल्व करने के बाद स्ट्राइक हुई है बात, वो आपको शायद पहले स्ट्राइक कर गई होगी, और अगर ऐसा हुआ होगा तो वेरी गुड, यू आर ऑन अ गुड ट्रैक। आगे बढ़ेंगे फटाफट से और इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे आप। मैं थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, आप तब तक आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, ठीक है ना। और एक बात, हम एक्चुअली रेक्टिलिनियर मोशन ही पढ़ रहे हैं, हम अब कैलकुलस नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि कैलकुलस से ऐसे क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन ही रेक्टिलिनियर मोशन में आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वी आर गोइंग थ्रू दीज चैप्टर्स रेक्टिलिनियर मोशन ओनली। ओके, सो चलो आ गए हैं हमारे पास और भी कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन आ गया आपके पास, देखो थोड़ा ना धीरे धीरे ना क्वेश्चन का लेवल टफ होता जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है एकदम ही लल्लू क्वेश्चन नहीं देंगे, तो मैं एकदम ऐसे दे दिए लल्लू क्वेश्चन, अरे कुछ भी सर करा दिया, अरे क्या इजी क्वेश्चंस थे, ऐसा था, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चंस का लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज होता चला जाएगा, थोड़ा 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 करके हम लोग थोड़े अच्छे क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। और एक बात बताता हूँ, वेरिएबल एक्सेलरेशन के सारे केसेस हम कवर कर डालेंगे, फिर हमारे पास सिर्फ एक बचेगा, दैट इज कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, उसको हम इक्वेशन के थ्रू करेंगे, फिर आगे की वीडियोज में आप उसको देखेंगे, पर वेरिएबल एक्सेलरेशन के सारे केसेस, सारे किस्से खत्म कर डालेंगे। ठीक है ना, इस पर ध्यान रखें। अब यहां से आगे ये है, द डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन वन डायरेक्शन अंडर द कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन इज रिलेटेड विद टाइम टी। एक्सेलरेशन पहले ही इन्होंने बोल दिया कॉन्स्टेंट, अब ठीक है भाई कॉन्स्टेंट बोल दिया तो अब ये मत बोलना कि सर काइनेमेटिकल इक्वेशन से करना है क्या, अभी नहीं। देखो एक बात बताता हूं, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव हर दुख का इलाज है, हर दुख दर्द का इलाज इंटीग्रेशन डेरिवेटिव है। काइनेमेटिकल इक्वेशन तो किसी किसी बीमारी में काम आती है, काइनेमेटिकल इक्वेशन सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली बीमारियों में काम आती है, पर इंटीग्रेशन डेरिवेटिव हर तरह की बीमारी में काम आती है। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव एक यूनिवर्सल दवाई है, वहीं काइनेमेटिकल इक्वेशन एक पर्टिकुलर दवाई है जो सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के काम में आती है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो भी तो यूनिवर्सल दवाई काम करेगी, करेगी, दैट इज इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव्स। तो अब यहां क्या कहता है ये कि भाई डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन वन डायरेक्शन अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज रिलेटेड टू टाइम एस टी इक्वल्स टू। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है रूट ओवर एस प्लस थ्री, है ना, थोड़ा घुमा के दे दिया इसको। हम अब तक हमेशा डिस्प्लेसमेंट एस फंक्शन ऑफ टाइम देखने की आदत रखते थे, पर यहां थोड़ा घुमा दिया, कुछ नहीं है तुम वापस सही कर लो, थ्री को इधर भेज दो तो आपको मिलेगा रूट एस इक्वल टू टी माइनस थ्री। और अल्टीमेटली वैसे ही जगह की कमी है, जगह वेस्ट किए जा रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं, जगह वेस्ट नहीं करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन दिया है तो हम क्या करेंगे, इसको दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं। रूट एस इक्वल टू हम लिख देंगे टी माइनस थ्री, थ्री को इधर भेज दिया, स्क्वायर कर देंगे तो एस इक्वल टू क्या लिख देंगे टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर। ओहो ज़्यादा गीला हो गया, चलो कोई नहीं, क्या लिख रहा था मैं, टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट। ओहो चलना नहीं चाहता ये चलना नहीं चाह रहा, गुस्सा हो गया है वो, शायद बोर्ड गीला हो गया है बहुत ज़्यादा। सो दिस डिस्प्लेसमेंट इज टी माइनस थ्री, दिस इज टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर, आई थिंक नाउ इट इज विजिबल। ये बहुत गीला हो गया असल में, इतना गीला हो गया है कि अब ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, ये स्क्वायर है, आ गया होगा, अब तो इतना दिख रहा होगा। ओके सुनो सुनो, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताओ पार्टिकल का जब वेलोसिटी जीरो, पर पहले वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। अब वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डी एस बाई डी टी, इसका मतलब आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट एस विथ रिस्पेक्ट टू टी। देखो किसी किसी को तो बड़ा मजा आ रहा होगा, क्या मस्त डेरिवेटिव के क्वेश्चन जम के मस्त हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जम के मस्त इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी किसी को बड़ा मजा आ रहा होगा। कोई कोई ऐसा मंद बुद्धि जैसा बैठा होगा, क्या चल रहा है पिछले चार दिनों से, पता ही नहीं चल रहा चल क्या रहा है ये चार दिनों से, सर मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। ऐसा नहीं है भाई, अगर आप बहुत अच्छे से मेरे पिछले तीन वीडियो देखोगे तो उसके अंदर में डिस्प्लेसमेंट यानी सॉरी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से बता दिया है, और वही रूल यूज़ हो रहे हैं। अभी तो कोई रूल भी यूज़ नहीं हो रहा है खास, सब भाई छोटे छोटे रूल यूज़ हो रहे हैं, एक्स का पावर एन ही यूज़ हो रहा बस। तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़ा सीरियस हूँ इस चीज़ पे, ठीक है।
तो डिफरेंशिएट कर लो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी डी टी, एस इज व्हाट, इट इज टी माइनस थ्री। किसी किसी को फीलिंग आ गया होगा टी माइनस थ्री का स्क्वायर दिया हुआ है, यानी चेन रूल लगेगा भैया, चेन रूल लगेगा। तो इसके बाद में क्या हो जाएगा, टू सामने आएगा पहले, तो टू और टी माइनस थ्री का पावर वन और इंटू डी डी टी ऑफ आ जाएगा टी माइनस थ्री, दिस इज चेन रूल। जिसको ये स्टेप नहीं समझे होगी जाओ वापस चेन रूल देख के आओ, चेन रूल बाय अंत्य नियम, बाय अंत्य नियम, बाहर से अंदर की तरफ जाओ डिफरेंशिएट करते हो, बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ जाओ डिफरेंशिएट करो। बाहर था तो ये इसके पावर को पहले हमने पावर रूल लगा के डिफरेंशिएट किया, फिर अंदर वाले ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। अब v इज इक्वल टू आ गया ट्वाइस टी माइनस थ्री और इनटू इसका डिफरेंशिएशन डी डी टी ऑफ टी वन हो जाएगा और थ्री का हो जाएगा जीरो, तो दिस इज वन ओनली। सो अल्टीमेटली वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, टू टी माइनस सिक्स। अब ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम। बोलते क्या है देखो जरा, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट द ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो। ओके वेलोसिटी जीरो वाला टाइम निकालो पहले भाई, तो वेलोसिटी को जीरो पुट कर दो, वेलोसिटी को जीरो पुट कर दो इस इक्वेशन में, ये अपना ब्रह्मास्त्र है। कभी भी वेलोसिटी की फंक्शन ऑफ टाइम वाली इक्वेशन, एक्सेलरेशन की फंक्शन ऑफ टाइम वाली इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट की फंक्शन ऑफ टाइम वाली इक्वेशन हमारा ब्रह्मास्त्र है। उसमें कोई भी टाइम की वैल्यू रखो, आपको उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन मिल जाएंगे, वो ब्रह्मास्त्र है, उस पर काम करना बहुत जरूरी है। यहाँ वेलोसिटी को जीरो वाला टाइम निकालना है, वेलोसिटी जीरो यानी जीरो इक्वल टू टू टी माइनस सिक्स, यानी इसका मतलब ये आ गया टी इक्वल टू आ गया थ्री सेकेंड। छः उधर जाएगा, छः बाय दो करोगे, छः बाय दो करोगे तो तीन बचेगा, तीन सेकंड के बाद वेलोसिटी हो रही है जीरो, तीन सेकंड पे हो रही है वेलोसिटी जीरो। जैसे ही तीन सेकंड में वेलोसिटी जीरो हुई, वो क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल दो भाई। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आप निकाल चुके हो, एस इक्वल्स टू होता है टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर, जस्ट पुट दिस टी इक्वल टू थ्री सेकंड हियर, यू विल गेट एस इक्वल टू थ्री माइनस थ्री जीरो, जीरो का स्क्वायर इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट आ गया जीरो। तो ये आ गया आपके पास। देखो बड़े सिंपल क्वेश्चन है मानो, और एक गारंटी देता हूं पूरे YouTube में जिन टॉपिक्स को हम उठा के एक एक टॉपिक पे इतने सारे क्वेश्चंस कराते हैं, आई कैन गारंटी यू एक सिंगल टॉपिक पे इतने मल्टीपल क्वेश्चन पूरे YouTube पे नहीं मिलेंगे, गारंटी दे रहा हूं। तो एक ही टॉपिक उठा के इतने क्वेश्चन, फिर दूसरे टॉपिक को उठा के इतने क्वेश्चन, हालांकि हमें पता है हर वीडियो, हर टॉपिक के लिए समय ज्यादा लग जाता है, नंबर ऑफ वीडियोज ज्यादा हो जाते हैं, बट हम उसके अंदर इतना सारा क्वेश्चन करा रहे हैं तो वो क्वेश्चन थोड़ा समय तो लेंगे। तो आप बढ़िया इसमें प्रैक्टिस कर रहे हो, एक्चुअली इन वीडियोस का मकसद ही है आपको प्रैक्टिस कराना, ठीक है ना। तो लेट इट बी, चलो आगे बढ़ते हैं ना, हो गई अपने अपने मुंह से अपनी बहुत सारी तारीफ, आगे बढ़ेंगे। पार्टिकल इज मूविंग सच दैट द वेलोसिटी इज गिवन बाय v इक्वल टू अंडर रूट 2 लैम्ब्डा s, s इज अगेन डिस्प्लेसमेंट, लैम्ब्डा इज कॉन्स्टेंट, हो गया ना डिस्प्लेसमेंट, फाइंड एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब देखो यहाँ थोड़ा ना मुझे बहुत सारा कुछ अच्छे से समझानी है चीज़ें, तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी जगह की। तो मैं ये चाहूँगा कि आपने शायद ये वाला क्वेश्चन सिक्स तो आपने कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो कर लो उसे कंप्लीट, और उसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे अब ज़रूरत है थोड़ी जगह की, क्योंकि मैं इसे दो तरीके से करके दिखाना चाहता हूँ। देखो मैं बताता हूँ, इसको थोड़ा अच्छे से बताता हूँ, तरीके से बताता हूँ, इसमें कुछ चीज़ें सिखानी है मुझे। एक्चुअली है डिस्प्लेसमेंट ही और चेन रूल लग रहा है, चेन रूल के साथ हम कुछ अच्छा करेंगे, तो थोड़ा मैं चाहता हूँ कि इसको हम थोड़ा आराम से विस्तार से करें इस क्वेश्चन को, और आप भी अच्छे से समझें इस क्वेश्चन को, ठीक है। अभी आप देख रहे होंगे मैंने आज के क्वेश्चंस में कहीं इंटीग्रेशन को यूज़ नहीं किया है, अगले वीडियो में जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो भर भर के इंटीग्रेशन होंगे, आज सिर्फ डेरिवेटिव पे चल रहे हैं। तो ये बात समझ लेना कि भाई इंटीग्रेशन जो है उसकी आज अच्छी तैयारी करना इस वीडियो के बाद, ताकि कल वाले वीडियो में आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में अच्छा मजा आ जाए। अब थोड़ा ध्यान देना, यहां पे आपको वेलोसिटी इज इक्वल टू दिया हुआ है रूट ओवर टू लैम्ब्डा एस। आप अगर देखते हो तो ये फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, आपको हमेशा वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम दी होती थी। हाँ सर, फंक्शन ऑफ टाइम देते थे तो आप क्या करते थे, भाई वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम है तो डीवी बाई डीटी करते थे, यानी डिफरेंशिएट करते थे, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया आपने विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको फटाफट से एक्सेलरेशन मिल गया। पर सर ये तो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो गया, अब इसका क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, याद करो शुरू में इसी वीडियो में सबसे पहले मैंने बताया था कि ए डी वी बाई डी एस भी होता है, वी डी वी बाई डी एस। तो ये रिलेशन कैसे आया, शुरू में ही समझाया था, वो क्या होता है डी वी बाई डी टी रहता है और डी वी बाई डी टी को इंटू डी एस बाई डी एस से कर दो मल्टीप्लाई, तो जो डी एस बाई डी एस, डी एस बाई डी टी है ये बन जाएगा आपका वी और फिर डी वी बाई डी एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी हो गया एक्सेलरेशन। यानी आप चाहो तो इसको वेलोसिटी को, ये वेलोसिटी को या तो आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, या तो वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो तो भी एक्सेलरेशन मिलेगा।
अब मैं बताता हूँ दोनों दोनों तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा। इस क्वेश्चन को आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है। अब पहले ऐसा कर लेते हैं, तो आप देखोगे तो v इक्वल टू, अब आप यहां पर डी डी टी लगा दो यानी डिफ्रेंशिएट कर दो v को, तो जो रूट टू लैमड़ा है, रूट टू लैमड़ा, ये रूट टू लैमड़ा तो कांस्टेंट है, इसका कोई काम ही नहीं है, ये आ जाता है बीच बीच में जब देखो तब, इसका कोई काम ही नहीं है। इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, जो रूट एस बचेगा यानी एस का पावर हाफ, और यहाँ आ जाएगा डी डी टी। इसको देखें अगर आप, तो डी डी टी ऑफ एस का पावर हाफ, डी डी टी ऑफ एस का पावर हाफ, यही है हीरो, पिक्चर का हीरो तो यही है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। और डी वी बाई डी टी अपना एक्सेलरेशन है ही, तो इसको लिख दो, तो ये रूट टू लैमड़ा ऐसे लिख दो। अब ये एस का पावर हाफ, अब डी डी टी ऑफ एस का पावर हाफ, तो पहले तो हाफ सामने ले आओ और एस का पावर वन बाई टू माइनस वन करो, और फिर एस का डेरिवेटिव करोगे तो डी एस बाई डी टी आ जाएगा। चेन रूल है, देखो पहले पावर का हुआ, पावर का एस एज इट इज लिखा, फिर एस का हुआ तो डी एस बाई डी टी, पर डी एस बाई डी टी वन नहीं होता, डिफरेंशिएशन ऑफ एस डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वन नहीं होता। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या बनता है सोचो जरा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बनता है, वो बनता है वेलोसिटी। एक्चुअली ये तो वेलोसिटी है, यानी ये वेलोसिटी कौन सी है, तो ये वाली, यही वाली वेलोसिटी है। बस अब इसको थोड़ा रीअरेंज करें अगर, तो यहां क्या बनता है देखो, रूट टू लैमड़ा और अपॉन में एक और टू ये वाला, और एस का पावर वन बाई टू माइनस वन यानी माइनस ऑफ वन बाई टू, ये भी आ गया, और ये आ गया वेलोसिटी वी। सोचो इस स्टेप तक के पहुंच गए क्या सब लोग, अगर इस स्टेप को समझ पाए हो तो बड़ी मजेदार चीज है। बस ये स्टेप तक अगर पहुंच गए तो काम बन गया। मैं प्रोसेस बता रहा हूं, दोनों तरीके बता रहा हूं सॉल्व करने के, बार बार देखो, 50 बार देखो, 100 बार देखो, 10 बार देखो, कितनी भी बार देखो, पर सीखो। अगर देखें, अगर यहां से आगे तो इस चीज को अगर आप देखें, तो ये ए को मैं ऐसा लिख सकता हूं रूट टू लैमड़ा बाई सॉरी एस तो लिखूंगा, पर पहले लिख दूं टू और लिख दूं रूट एस, ये एस का पावर हाफ नीचे जाएगा तो एस का पावर प्लस हाफ हो जाएगा, अरे रूट एस बन जाएगा, और वेलोसिटी खुद में कितनी है, तो ये है रूट ओवर टू लैमड़ा एस, तो ये रूट एस कैंसल, रूट टू ये रूट टू मिला के ये भी टू कैंसल, और आपके पास में क्या बच गया, अब ये रूट लैमड़ा और ये रूट लैमड़ा यानी ए की वैल्यू आ गई लैमड़ा के बराबर, लो आ गया। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ये एक पैटर्न हो गया, एक तरीका हो गया, मैं दूसरे तरीके से भी करूंगा। अब आप एक्सेलरेशन को vdv by ds भी लिख सकते हो, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, dv by ds यानी डिफरेंशिएशन ऑफ s, डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू s, यानी क्या हो गया रूट ओवर टू लैमड़ा s, ठीक है। अब बस फिर से टू लैमड़ा तो कॉन्स्टेंट है, तो रूट ओवर टू लैमड़ा को बाहर लिख दो, और डी डी एस ऑफ s का पावर हाफ, रूट s यानी s का पावर हाफ। अब बस फिर से वही चेन रूल फिर लगेगा, रूट ओवर टू लैमड़ा और हाफ सामने आएगा, एस का पावर वन बाई टू माइनस वन यानी माइनस वन बाई टू, वन बाई टू माइनस वन यानी माइनस वन बाई टू, और फिर आ जाएगा डी डी एस ऑफ एस। सोचो यहां पे वही चीज क्या हो रही थी, डी डी टी ऑफ एस, ये वन नहीं होता, पर ये वाले को देखो ये क्या होगा वन। कंपेयर करो इसकी पूरी स्टेप्स को, कंपेयर करो इसके साथ, चार पांच बार देखना इसको कम से कम, तब समझ में आएगा। पर है कुछ नहीं, सिंपल चीज है, एस से एस आपका डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी को आप डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो या टाइम के रिस्पेक्ट में, वन एंड द सेम थिंग, डोंट वरी अबाउट इट, कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़ी सिंपल है, बस खत्म कहानी। यहाँ पे आपके पास डी वी बाई डी एस कितना आ रहा है देख लो, अभी डी वी बाई डी एस की वैल्यू आ रही है आपके पास, ये नीचे चला जाएगा यानी रूट ओवर टू लैमड़ा अपॉन टू रूट एस, और ये तो वन ही हो गया, तो इतना ही आ गया है। ये एक्सेलरेशन थोड़ी है, इससे किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, वी को, तो आपके पास एक्सेलरेशन जो आएगा वो वी, वी की वैल्यू कितनी है आपके पास टू, मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ, दिस इज एक्सेलरेशन दैट इज वी डी वी बाय डी एस, एंड एक्सेलरेशन इज वी, वी का मतलब वो रूट ओवर टू लैमड़ा एस इंटू डी वी बाई डी एस इज रूट ओवर टू लैमड़ा और अपॉन में टू रूट एस। नाउ अगेन रूट एस, दिस रूट एस will be cancelled, root 2 to cancel, lambda, root lambda into root lambda is lambda, देखो दोनों method से answer same ही आता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, दो अलग अलग method लगा रहे हैं तो answer same क्यों आ रहा है भाई, तो दो method लगाने का मतलब ही क्या, कभी भी दो method लगाए तो answer same आना चाहिए क्या, सोचो जरा आना चाहिए क्या answer same, गधो method 50 लगाओ ना तुम, answer तो एक ही आएगा, answer थोड़ी अलग आएगा, so for two different methods you will get the same answer, okay, don't worry, आई एम जस्ट लाइक मजाक कर रहा हूँ मैं, डोंट वरी। अब बात आती है ये वाला 7, 8, 9, 10, 11, कितने मिनट का वीडियो हो गया हमारा, 2 घंटे, अच्छा अब यहाँ आ जाते हैं।
अरे यही तो कह रहे थे अपन, सेवेंथ ही था ये, सेवेंथ हो गया इन्हें। अब सेवेंथ के बाद अपने को करना कौन सा है, नंबर एट। थोड़ा मुझे ऐसा लगता है मैं 5 मिनट टाइम पास करूं, और 5 मिनट टाइम पास करूं तो तुम लोग भी अपना फटाफट सॉल्व करो, एट सॉल्व करो। पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन एस इक्वल टू अल्फा टी माइनस फोर बीटा टी माइनस फोर का स्क्वायर, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट दिया, इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल एक्सेलरेशन निकालना है, क्या करोगे भाई? डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, अगेन डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी एस बाई डी टी करो और फिर से वेलोसिटी निकल जाएगी। वेलोसिटी का इनिशियल वैल्यू निकालना है, टाइम को कितना पुट कर दो, जीरो। एक्सेलरेशन निकालना है तो जो वेलोसिटी निकली है टाइम का फंक्शन, उसको फिर डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और आपको एक्सेलरेशन का इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिल जाएगा। उसमें टाइम को जीरो रख दो तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू से इनिशियल वैल्यू मिल जाएगा। ये एक हो गई, फटाफट दौड़ो फटाफट एकदम। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज इज एस इक्वल टू के बाई अल्फा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा टी, वेयर के एंड अल्फा आर कॉन्स्टेंट्स। तो आते हैं इस पे, एट पहले सॉल्व कर लो, मैं एट का आंसर बताऊंगा सिर्फ, है ना। एट का अभी आंसर बताता हूँ, पहले इसको साफ कर देता हूँ, क्लियर कर लेते हैं हम लोग। एट का आंसर बताता हूँ तुम्हें, तब तक तुम फटाफट एट सॉल्व करो, ये मिटा देता हूँ मैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चाहे आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, चाहे आप डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बराबर आंसर सही मिलेगा, कोई भी बड़ी बात नहीं है, सब कुछ एकदम सही आएगा, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ओके। सो अब आई होप आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया होगा, तब तक शायद 8th क्वेश्चन का आंसर हमें निकाल के मिल जाएगा। 8th क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया होगा अगर, तो हम लोग उसका आंसर बताएंगे पहले आपको, फिर हम 9th पे जाएंगे, 9th पे जाके फिर 10th और 11th पे जाएंगे। आई होप 8th का आंसर हमें मिल गया होगा। 8th का आंसर क्या आ रहा है, 8th का आंसर बताना है, 8th का आंसर बताते हैं, ठीक है ना। तो पहले आपको 8th का आंसर बता देते हैं, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी मैं पहले आपको बता देता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी जो है, या फिर मैं एक काम करता हूँ, वेलोसिटी का टाइम वाला इक्वेशन भी लिख देता हूँ, है ना। सो दिस इज वेलोसिटी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू टू टी माइनस एट, एंड एक्सेलरेशन का टाइम वाला इक्वेशन जो है दैट इज टू बीटा। सो एक्सेलरेशन तो कॉन्स्टेंट ही आ गया, टाइम है ही नहीं उसमें, तो इनिशियल या फाइनल ये तो एक ही वैल्यू रहेगी। सो अब इन दोनों चीज़ों को हमें टी इक्वल टू जीरो पे निकालना है, ठीक है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी टू टी माइनस, इट्स नॉट टी, टू टी माइनस एट ओनली, ओके। तो इनिशियल निकालना है वेलोसिटी को, तो इट इज़ अल्फा माइनस एट बीटा, एंड इनिशियल एक्सेलरेशन विल बी टू बीटा, तो इट विल बी सेम ऑलवेज, है ना, कॉन्स्टेंट। तो आई थिंक आपको इसका आंसर मिला होगा, आई थिंक, कोई नहीं है, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये मिल गया, इसमें टी को जीरो रख दिया, तो टी को जीरो रख दिया तो माइनस एट बचा, माइनस एट के कारण माइनस एट बीटा हो गया, तो अल्फा माइनस एट बीटा हो गया। एक्सेलरेशन तो टू बीटा ही है, कॉन्स्टेंट है, इसलिए उसमें टाइम के साथ कुछ भी नहीं आने वाला, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। इसके बाद अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज एज। तो अब यहाँ से आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट इज गिवन टू बी के बाई अल्फा और इन ब्रैकेट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस अल्फा टी, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब थोड़ी अच्छी इक्वेशन आ रही है, देखो डिस्प्लेसमेंट में भी अच्छी अच्छी इक्वेशन आ रही हैं। अब आगे क्या दिखते हैं, वेयर के एंड अल्फा आर कॉन्स्टेंट, ठीक है भाई, के और अल्फा कॉन्स्टेंट है, घबराने की जरूरत नहीं, ये दोनों कॉन्स्टेंट है, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं, के और अल्फा जो है वो कॉन्स्टेंट है, टेंशन नहीं लेना है उसे। अच्छा, आप चाहो तो थोड़ा सिंपलिसिटी के लिए और एक चीज कर सकते हो, के और अल्फा को अंदर भेज दो, के और अल्फा को अंदर भेज दो, के अल्फा इंटू वन अगर देखेंगे तो ये के अल्फा आ जाएगा माइनस के बाई अल्फा ई का पावर माइनस अल्फा टी, ये ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये दोनों एक ही चीज है ना, के बाई अल्फा को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया बस, बाकी कुछ नहीं किया। क्या बोलते हैं, ऐसे फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इन देयर इनिशियल वैल्यूज। पहले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम के फंक्शन, यानी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो के बाई अल्फा का डेरिवेटिव, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव विल बी जीरो, माइनस के बाई अल्फा कांस्टेंट बाहर रख दो और यहाँ पे आ जाएगा डी डी टी ऑफ ई का पावर माइनस अल्फा टी। देखो अगर ये वाली स्टेप डाइजेस्ट हो पाती है तो बता देना।
ये स्टेप में कुछ नहीं किया, पहला टर्म जो कांस्टेंट नंबर ही एक तरह से, वो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हो गया जीरो। दूसरे वाले टर्म को देखोगे तो के बाई अल्फा कांस्टेंट है, उसको मैंने डेरिवेटिव के बाहर लगा दिया, डी डी टी ऑफ ई का पावर माइनस अल्फा टी लगा दिया। अगर आप देखोगे तो आपके पास एक रूल है डी डी टी ऑफ ई का पावर ए एक्स, अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो ई का पावर ए एक्स तो एज इट इज आ जाएगा, फिर डी डी टी ऑफ ए एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अगर चेन रूल लगाएंगे तो चेन रूल कैसे लगाएंगे, अब वो हमें सीखना है, बस इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। तो यहाँ तो आ गया माइनस के बाई अल्फा आ गया, और डी डी टी ऑफ माइनस अल्फा टी, यानी पहले तो वो ई का पावर माइनस अल्फा टी एज इट इज आ जाएगा, और इनटू आ जाएगा डी डी टी ऑफ, अंदर अंदर घुसते ना, तो पहले ई का कर दो, ई के ऊपर जो है उसको जस्ट एक्स मान के ई का कर दो, तो ई का पावर एक्स का डेरिवेटिव ई का पावर एक्स ही आता है, तो ई का पावर जो भी रहता है वो एज इट इज हो गया, ये तो हो गया। अब दूसरी चीज आ गई डी डी टी ऑफ ई का पावर जो था ऊपर वाला टर्म वो था माइनस अल्फा टी, इसका डेरिवेटिव। तो अब अगर देखें यहां तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ के बाई अल्फा, तो ऐसा ही आ गया ई का पावर माइनस अल्फा टी आ गया, और इसका अगर देखोगे तो माइनस अल्फा फिर से कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर लिख दो, और इंटू डी डी टी ऑफ टी यानी वन आ गया। ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, यहां पे अल्फा साइन, ये अल्फा भी कैंसिल हो जाएगा, के ई माइनस अल्फा टी, ये आ गया आपके पास वेलोसिटी, बड़ा अच्छा है। यहां से आगे आपको जाना है एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी, दिस इज इक्वेशन नंबर वन, दिस इज एक्सेलरेशन डीवी बाई डी टी, यानी डी डी टी ऑफ वी, यानी क्या के ई का पावर माइनस अल्फा टी, के कॉन्स्टेंट है बाहर रख दो, यानी क्या हो गया के, और यहाँ आ गया डी डी टी ऑफ ई का पावर माइनस अल्फा टी। अब वही देखो वैसे ही ई का पावर माइनस अल्फा टी का डेरिवेटिव ये जो अपन ने यहाँ किया था वही सेम चीज यहाँ आ रही है। तो फिर e का पावर माइनस अल्फा टी एज इट इज पहले बाहर लिख दो, तो a इक्वल टू आ जाएगा k e का पावर माइनस अल्फा टी, और डी डी टी किसका हो जाएगा, तो वो हो जाएगा माइनस अल्फा टी का। अंदर अंदर घुसना है, चेन रूल पे ध्यान दो, बाहर पहले e था e का तो एज इट इज हो गया, फिर उसके बाद ऊपर उसके पास माइनस अल्फा टी तो माइनस अल्फा टी का हो गया। चेन रूल पे ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो के ई का पावर माइनस अल्फा टी, और यहां से माइनस अल्फा फिर बाहर निकाल दो, डी डी टी ऑफ टी यानी वन हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन भी आपके पास माइनस के अल्फा ई का पावर माइनस अल्फा टी ऐसा आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टी, तो वेलोसिटी भी टाइम का फंक्शन बन गया, एक्सेलरेशन भी टाइम का फंक्शन बन गया, एंड देयर इनिशियल वैल्यूज, इनिशियल वैल्यू का मतलब यहां पे टी इक्वल टू रखो जीरो। अब जब टी को जीरो रखोगे तो अब सर क्या करेंगे, ये तो v इक्वल टू आ गया के e का पावर माइनस अल्फा इंटू जीरो, यानी ये पूरी टर्म हो गई जीरो। e का पावर जीरो क्या होता है, e का पावर जीरो होता है वन, आपको सिंपल चीज करनी है, दिस e का पावर जीरो इज वन, ये याद रखें आप, e का पावर जीरो इज वन। सो v इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, k e का पावर जीरो जो टर्म आ गई वो क्या हो गई, वो तो वन हो गई, तो v इक्वल टू आ गया k। वैसे ही यहां पे भी आपको t इक्वल टू जीरो पुट करना है, तो यहां से क्या आएगा, e का पावर जीरो क्या आ जाएगा, वन, तो ये वन आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन आएगा माइनस ऑफ k अल्फा, ये लो आ गया। थोड़ा सा कोशिश करो इसको समझने की, मैंने जानबूझ के थोड़े अच्छे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन लिए ताकि हमें आज डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ जाए। चेन रूल का यूज करो, बड़ी सिंपल चीज है, बड़े आसान क्वेश्चन है, कोशिश करोगे तो आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली अब अगर देखोगे तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, फिर क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, हम उसको अटेम्प्ट करेंगे अभी, 10th को देख लेंगे, 10th को देखते हैं कैसा करना है। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 10 है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, अब हम 10 करेंगे सॉल्व। इफ द टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलॉन्ग द पोजिशन एक्स एक्सिस आर रिलेटेड एज, टी दिया हुआ है आपको और डिस्प्लेसमेंट दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वन का पावर वन बाई टू, फाइंड द एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना है हमको इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स की टर्म में निकालना है, ये बात ध्यान रखो। यहाँ एक्सेलरेशन हमें पहली, सबसे पहली चीज एक्स की टर्म में निकालना है, कैसे किया जाए, क्या करें, कैसे करें, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली चीज हम क्या कर सकते हैं, हम चाहें तो एक सिंपल चीज़ कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा, जैसे ये रूट है ना, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करें अगर, तो पहले तो हम x की वैल्यू निकाल दें,
तो हम क्या करें इसको, सबसे पहले तो आप क्या करें इसको सिंप्लीफाई कर लें, स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करते ही आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू टी का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी टी स्क्वायर प्लस वन। तो आपके पास ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब अगर आप देखें तो आपको ये पता है कि एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट का रेट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी होता है, और फिर उस वेलोसिटी का फिर से डिफरेंशिएशन करें तो एक्सेलरेशन होता है। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपल सिंपल अपनी जो बेसिक लाइन ऑफ एक्शन है उस पर चलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब ये बोलेंगे सर यहाँ तो स्क्वायर है, चाहो तो चलो इसको रूट ले लो फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपके पास रूट ओवर, यानी रूट अगर देखें तो ऐसा लगा दो पूरा कि पूरा टी स्क्वायर प्लस वन का पावर वन बाई टू, और चेन रूल लगाना पड़ेगा, ध्यान रखो अब होल का पावर वन बाई टू आ गया तो चेन रूल लगेगा पहले। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी दैट इज डी एक्स बाई डी टी विल गिव यू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन का पावर वन बाई टू। पहले चेन रूल लगाओ, चेन रूल के लिए वन बाई टू सामने आ गया, टी स्क्वायर प्लस वन और वन बाई टू माइनस वन यानी माइनस वन बाई टू, और इंटू डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन। चेन रूल लगा रहा हूँ मैं, चेन रूल पर ध्यान देना बस, चेन रूल अच्छे से पढ़ के आओ। तो यहां से क्या बन जाएगा देखो जरा, तो ये 1 बाई टू बन गया और ये बन गया टी स्क्वायर प्लस वन, और ये आ गया माइनस वन बाई टू इंटू यहाँ पे आ गया टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2t और 1 का आ गया 0, तो इतना ही बचेगा। ये 2 को चाहो तो कैंसिल कर दो, तो ये फाइनली आपके पास जो आएगा ये कुछ ऐसा आ जाएगा t अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन और होल का पावर वन बाई टू। ऊपर माइनस वन बाई टू था, नीचे जाके प्लस वन बाई टू हो गया बस। अब हमारे पास ये टारगेट तो था नहीं, हमारे तो एक्सेलरेशन निकालने की बात हुई थी। और वैसे एक और चीज़ देखोगे ना यहाँ, तो ये देखो जरा ये वाली रिलेशन को, ये देखोगे तो टी स्क्वायर प्लस वन का पावर हाफ, ये पूरी टर्म जो है ये एक्स है, तो मैं इसको यहाँ लाके रख सकता हूँ, यानी मेरे पास वेलोसिटी जो है वो टी अपॉन एक्स बन गई, ये बन गई रिलेशन मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपको क्या मिल जाएगा, dv by dt मिल जाएगा और इक्वल टू मिल जाएगा ddt of t by x, पर यहाँ t और x, t यानी टाइम और x यानी डिस्प्लेसमेंट, x यानी डिस्प्लेसमेंट भी वेरिएबल है और टाइम दोनों वेरिएबल हैं। जब दोनों वेरिएबल डिवीजन में आते हैं तो कौन सा रूल लगता है सोचो जरा, एक ऊपर एक नीचे। तो हमारे पास एक रूल है जिसको हमने नाम दिया था कोशेंट रूल। अब हमें कोशेंट रूल पे जाना पड़ेगा, कोशेंट रूल क्या कहता है, सेकेंड सेकेंड इंटू डी डी टी ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डी डी टी ऑफ सेकेंड अपॉन जाएगा सेकेंड का स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन की सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और वैसे ये वाली स्टेप जो हमने इधर से इधर वैल्यू रख दी ना, ये वाली स्टेप भी इस क्वेश्चन की सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। और तुम्हें बता दूँ ये जो क्वेश्चन है आप ये ईजी क्वेश्चन नहीं कर रहे, ये अच्छे अच्छे स्टूडेंट से नहीं होते, ये वन ऑफ द टफ क्वेश्चन है, टफेस्ट क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे स्टूडेंट से नहीं बनते स्टेज पे, उन्हें नहीं समझता इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जा रहा है। सो दे आर नॉट इजी क्वेश्चन, बट जैसे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आई जस्ट वांट टू रेज द लेवल ग्रेजुअली। आपको इन क्वेश्चंस को समझना है, सीखना है, बहुत अच्छे से आगे बढ़ना है। अब मैं स्टेप को आगे कराने जा रहा हूं, अब इस स्टेप को आगे बढ़ाने जा रहा हूं, देखो क्या होता है। एक्चुअली दिस इज डी वी बाई डी टी दैट इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्स इंटू डी डी टी ऑफ टी विल बी वन माइनस टी, और डी एक्स बाई डी टी इज नथिंग बट वेलोसिटी, बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी ऑलरेडी वी हैव टी बाई एक्स, बाद में देखते हैं उसका क्या करना है, आगे जाते हैं, अपॉन आ गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से अगर आप जाओ तो इस सब को देखो अगर, तो आपके पास एक एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है जो हमें एक्स का फंक्शन बनानी है, तो यहाँ पर आ गया एक्स माइनस टी और इंटू वी और अपॉन में आ गया x का स्क्वायर। मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ x ही चाहिए, वहाँ बोला गया है कि फाइंड द एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ x ओनली, यानी x का फंक्शन, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन बनाना है। क्या करें सर, कहाँ करें एडजस्टमेंट, कुछ तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एक तो ये वेलोसिटी जो है ये हमारे पास t बाई एक्स है, तो हम यहाँ वेलोसिटी को t बाई एक्स लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको t बाई एक्स लिखें, चलो कुछ बनती है क्या बात सोचते हैं, तो यहाँ पे आ गया x माइनस टी इंटू टी बाई एक्स और अपॉन में आ गया एक्स स्क्वायर।
तो टी इंटू टी स्क्वायर आ गया, ये एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और एक जो ये एक्स बचेगा वो नीचे जाके मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब बना देगा। सोचो कुछ नहीं हुआ, ये एक्स इधर मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर बना, टी इंटू टी मल्टीप्लाई हुआ टी स्क्वायर बना, यानी एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और ये एक्स नीचे मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब बना दिया। अब आप देखोगे तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर है, ढूंढो जरा कुछ होता है क्या, ये एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, यहाँ देखो जरा ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन, यानी क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू वन होता है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर वन होता है। देखो बहुत बढ़िया चीज आ गई, यहां रख देंगे तो इट विल बी वन अपॉन एक्स क्यूब। सो एक्सेलरेशन इज अल्टीमेटली नथिंग बट वन अपॉन एक्स क्यूब, दैट इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ एक्स। देखो कितना जबरदस्त रिलेशन आया, और ये देखो कितने इंटेंस, यानी कितने जबरदस्त क्वेश्चंस हैं, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैं कह रहा हूँ लास्ट के जो आपने जैसे 9, 10, 11, ये जो तीन क्वेश्चन हैं, दे आर वेरी गुड क्वेश्चन, टू गुड क्वेश्चंस, दे आर टू गुड क्वेश्चंस, यू कैन सॉल्व देम। आई थिंक अब आप 11th वाले को खुद सॉल्व करना चाहिए, अभी मेरे ख्याल से 30 कुछ 35 कुछ ऐसा अपन जाएंगे। अब आप जो है आगे की जो है इसको आप जाएं, और आप इसके बाद की जो एक 11th वाली जो चीज़ है, 11th क्वेश्चन वाली चीज़, उसको आप खुद सॉल्व करें, ठीक है ना। एक थोड़ा बच्चों का किसी का मैसेज आ गया था, आई जस्ट वॉन्ट टू रिप्लाई दैट, दैट वॉज नेसेसरी। तो आप इस क्वेश्चन को आई थिंक खुद सॉल्व करेंगे। मैं एक बात बता दें, रिलेशन बिटवीन टाइम टी एंड द डिस्प्लेसमेंट एक्स इज टी इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स, नाउ फाइंड द एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। ऐसा ही क्वेश्चन है पर एक्सेलरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, तो यहाँ चलते चलते आपको कहीं वेलोसिटी जो मिलेगा तो उसको जुगाड़ करके कहीं ना कहीं से एडजस्ट करना है, जैसे हमने यहाँ किया। आई होप आप उसको कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर करोगे ना तो बड़ा मजा आएगा। तो आज के लिए आई थिंक दिस इज सफिशियंट फॉर यू, आई थिंक वी हैव सॉल्व 11 क्वेश्चंस टुडे, एंड ऑल द 11 क्वेश्चंस यू हैव टू प्रैक्टिस वेरी वेल, डू रिमेंबर दिस थिंग। आप बढ़िया प्रैक्टिस करें इस पर, बहुत अच्छा प्रैक्टिस करें, और सबसे अच्छी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसको बहुत ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने कोई दूसरे कोचिंग में पढ़ने वाले फ्रेंड के साथ शेयर करें, उसको भी बताएं, आप उससे कुछ सीख के आएँ, आप उसके पास कुछ सीखने जाएं, या वो आपसे कुछ सीख ले आके, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपटीशन जानने की कोशिश करें, कौन कितने पानी में है, डेफिनेटली हम आपको सबसे ज़्यादा पानी की डेप्थ तक उतार देंगे, ठीक है। तो आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर, है ना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसके बाद इंटीग्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे, वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस वहाँ पे हम खत्म करेंगे, और फिर आगे हमारा काइनेमेटिकल इक्वेशंस की तरफ हम प्रोसीड करेंगे। ओके, सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।